Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, S.S. Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In the series of discussing issues over curriculum, this time I am going to discuss procedure for developing curriculum. And the lecture will be in bilingual mode and it must be interesting and useful to all of you. So let's start. First of all, there are various models of curriculum development. यानी कि पाठ्यक्रम विकास के बहुत सारे मॉडल डेवलप्ड हैं, फॉलो किए जाते हैं बहुत सारे. पर चूंकि यहाँ हम चूंकि करिकुलम को इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ लीनियर मॉडल को डिस्कस करेंगे. वैसे और भी मॉडल होते हैं, लीनियर मॉडल है, साइक्लिक मॉडल है, आपका सिस्टम डिजाइन मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं. पर लीनियर मॉडल में सिर्फ दो मॉडल हम पढ़ेंगे और उसी से हमको समझ में आ जाएगा कि पाठ्यक्रम का विकास कैसे किया जाता है. लीनियर मॉडल मतलब रेखीय मॉडल, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, एक रेखा में चलेंगे. द लीनियर मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रिस्क्राइब अ रेशनल, यानी कि तार्किक है ये, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर करिकुलम डेवलपमेंट स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि ये जो सॉरी पाठ्यक्रम विकास के रेखीय मॉडल हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं हमको एक तार्किक क्रमबद्ध प्रोसीजर बताते हैं कि ये इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा करिकुलम विकास के लिए, करिकुलम पाठ्यक्रम विकास के लिए. और ये शुरू कहाँ से होता है? ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य. यानी उद्देश्य क्या है, किस कक्षा के लिए बन रहा है, किस वर्ग के बच्चों के लिए बन रहा है. तो दो इसमें हमें पढ़ना है, टाइलर्स का रेशनल लीनियर मॉडल और टाबा का ग्रास रूट रेशनल मॉडल. ठीक है, तो सबसे पहले टाइलर, राल्फ टाइलर सॉरी टाइलर का रेशनल लीनियर मॉडल. राल्फ टाइलर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो डेवलप द फर्स्ट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. दिस मॉडल वॉज प्रेजेंटेड इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ, ओ माई गॉड यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया गलती से, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन पब्लिश्ड इन 1949. टाइलर आर्ग्यूड दैट करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक. यानी कि राल्फ टाइलर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के थे, उन्होंने पहला करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल बनाया था और उसको उन्होंने अपनी किस किताब में प्रस्तुत किया था, उनकी किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन जो कि 1949 में पब्लिश हुई, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है. टाइलर आर्ग्यूड दैट करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक. और टाइलर ने हमसे ये तर्क किया, अपनी पुस्तक में ये लिखा कि पाठ्यक्रम विकास तार्किक होना चाहिए और एक सिस्टम के तहत चलना चाहिए. हिज मॉडल प्रेजेंट्स अ प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट दैट फॉलोज अ सीक्वेंशियल पैटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स टू कंटेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवैल्यूएशन. ये कह रहे हैं कि इनका जो मॉडल है वो जो करिकुलम डेवलपमेंट की प्रोसेस किस तरह से बताता है, वो एक सीक्वेंस फॉलो करता है जो कि ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होते हैं, फिर उसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस आता है और इवेल्युएशन आता है. अंत में क्या करना होता है कि जो हमने आपको पढ़ाया उसकी हम जांच करेंगे आपने कितना सीखा. तो तीन इसके मुख्य स्रोत हैं डेवलप करने के. कौन कौन से? सोसाइटी, यानी कि समाज से मिलेगा हमको मॉडल डेवलप करने का तरीका, करिकुलम डेवलप करने का. स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट मैटर. तो सोसाइटी से हमको क्या मिलेगी? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. सोसाइटी तय करती है कि कौन सा दर्शन शिक्षा में फॉलो किया जा रहा है. दर्शन से क्या मिलेगी? एम्स, कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है. उसी हिसाब से तो करिकुलम बनाया जाएगा ना, कि हम एक्चुअली चाहते क्या है. फिर स्टूडेंट्स, और सब स्टूडेंट्स तो मेन है ही, सब्जेक्ट मैटर से हमको मिलेगी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग. तो सोसाइटी से फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का ज्ञान होगा, सब्जेक्ट मैटर से साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पता चलेगी. और स्टूडेंट्स यानी किस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम करिकुलम बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले हमको उद्देश्य चुनने होंगे. उसके बाद सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि उन उद्देश्यों को हम किन अनुभवों के तहत बच्चे को देंगे. तो हम अनुभव अधिगम के अनुभव का चुनाव करेंगे. उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि उन अधिगम अनुभवों का संगठन कैसे किया जाएगा. और लास्ट में हम उसका इवैल्यूएशन कर देंगे. ठीक है, तो आसान है. टाइलर आर्ग्यूड दैट टू डेवलप एनी करिकुलम, करिकुलम वर्कर्स शुड रेस्पॉन्ड टू फोर बेसिक क्वेश्चंस. टाइलर कहते हैं कि किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम को बनाने के लिए जो पाठ्यक्रम निर्माण करता है उनको चार बातों का ध्यान रखना चाहिए. मतलब चार मूल प्रश्नों के उनको उत्तर अगर मिल जाते हैं, इसका मतलब कि उनका पाठ्यक्रम सही बना है. कौन कौन से? पहला है, व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल, या स्कूल का मतलब इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है, सीक टू अटेंड. यानी कि कौन से शैक्षिक उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति हम इस पाठ्यक्रम से करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए. फिर व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस
are likely to attain these objectives. फिर वो जो उद्देश्य हैं उनको किन अनुभवों के तहत आप हासिल करना चाहेंगे. What educational experiences, 5 मिनट बस. What educational experiences are likely to attain these objectives? यानी कि ये जो शैक्षिक अनुभव हैं, मतलब ये जो उद्देश्य हैं उनको किन शैक्षिक अनुभवों के तहत आप हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो वो आप करिकुलम का हिस्सा बना लीजिए. How can these educational experiences be organized? यानी कि ये जो शैक्षिक अनुभव हैं इनका संगठन कैसे किया जाएगा. And how can we determine whether these purposes are being attained? यानी कि लास्ट में क्या आएगा, evaluation, कि हमने कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हो गई कि नहीं. तो ये 4 questions की अगर हमको answer हमारा curriculum दे पा रहा है, इसका मतलब हमने सही curriculum बनाया है. Aside from these 4 questions, इन 4 questions के अलावा क्या क्या होगा, Tyler also identified 3 curriculum sources. Society, students and subject matter, ये बात हो गई. Accordingly, curriculum workers need to study these sources carefully in order to develop a curriculum. यानी कि हम समाज का ध्यान रखेंगे, किस subject matter का ध्यान रखेंगे और students, किस वर्ग के students के लिए curriculum बनाने जा रहे हैं. तो ये हो गया sorry, ये हो गया Tyler का rational linear model. उसके बाद हमको पढ़ना है टाबा, हिल्डा टाबा की का ग्रास रूट रेशनल मॉडल. ये क्या कहते हैं, ये फॉलोअर ऑफ टाइलर, जो टाबा हिल्डा टाबा थी वो टाइलर की ही स्टूडेंट या फॉलोअर थी, इज अनदर करिकुलम स्कॉलर हिल्डा टाबा. टाबा प्रेजेंटेड हर मॉडल इन हर बुक करिकुलम डेवलपमेंट थियरी एंड प्रैक्टिस इन 1962. यानी कि पहला 1949 में आया और ये 1962 में आया और टाबा इसको अपनी किताब में लिखती हैं, करिकुलम डेवलपमेंट थियरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि पाठ्यक्रम विकास सिद्धांत एवं अभ्यास, है ना. तो हर मॉडल इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइलर्स मॉडल. इनका मॉडल जो है वो टाइलर के ही मॉडल का मॉडिफाइड वर्जन है. टाबा आर्ग्यूड दैट करिकुलम डेवलपमेंट शुड फॉलो अ सीक्वेंशियल एंड लॉजिकल प्रोसेस एंड शी सजेस्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इनपुट इन ऑल फेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. चूंकि ये टाइलर की ही फॉलोअर थी इसलिए ये भी सीक्वेंशियल, लॉजिकल और रेशनल मॉडल की बात कर रही हैं, लीनियर मॉडल की बात कर रही हैं. सिर्फ ये कह रही हैं कि हर जो फेज है उसमें हमको और इनपुट देने की जरूरत है. टाबा आल्सो क्लेम दैट ऑल करिकुला आर कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स. क्या कहा इन्होंने, देखिए इन्होंने 7 हमको स्टेप बताए कि इनको फॉलो कीजिए तो आपका करिकुलम बन जाएगा. कैसे, डायग्नोसिस ऑफ नीड. सबसे पहले हमको ये जानना है कि आवश्यकता क्या है, क्यों हम बनाने ही जा रहे हैं करिकुलम. फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, उद्देश्य बनाएंगे. फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, हम विषय वस्तु चुनेंगे, विषय वस्तु का चुनाव करेंगे कि किस विषय वस्तु के तहत हमको वो ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने हैं. फिर उस विषय वस्तु को हम क्या करेंगे, संगठित रूप प्रदान करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. जब वो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. ये टाइलर में भी था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस ये भी टाइलर में था, लास्ट में इवेल्युएशन ये भी टाइलर में था. तो सिर्फ 3 इसमें चीजें बढ़ रही हैं, डायग्नोसिस ऑफ नीड, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. बाकी ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस का सिलेक्शन और लर्निंग एक्सपीरियंसेस का ऑर्गेनाइजेशन, ये एज इट इज टाइलर का ही है. तो 7 स्टेप, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस और लास्ट में डिटरमिनेशन ऑफ व्हाट टू इवेलुएट एंड वेज एंड मींस ऑफ डूइंग इट. मतलब क्या हमको जांचना है, किसका मूल्यांकन करना है और उसके लिए हम क्या तरीके इख्तियार करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया टाबा का ग्रास रूट रेशनल मॉडल. तो सिर्फ 2 मॉडल मैंने आपसे डिस्कस किए लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि पाठ्यक्रम का विकास कैसे किया जाता है, क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट को इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं. वो सिर्फ पूछ रहा है प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग करिकुलम. आपकी इच्छा है, आप बहुत सारे मॉडल है पढ़िए, याद करिए अपनी जानकारी के लिए, पर बेसिक नॉलेज के लिए टाइलर का मॉडल और टाबा, हिल्डा टाबा का मॉडल पर्याप्त है. ठीक है, दोनों ही रेशनल हैं, यानी तार्किक हैं, लॉजिकल हैं, सीक्वेंशियल हैं और ऑब्जेक्टिव से शुरू होते हैं और एक रेखा में चलते हैं, है ना. ठीक, तो आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक 2. व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट वाज द टॉपिक, प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग करिकुलम. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.